महिला दिवस पर आज जगह जगह आयोजनों के जरिए समाज ने मातृ शक्ति के प्रति अपना आदर व्यक्त किया। अलवर में रैली सहित कई कार्यक्रम किए गए। पुलिस अन्वेषण भवन में महिला दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर अनेक महिलाओं को बेबी किट भी प्रदान की गई। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए महिला अधिकारिता विभाग द्वारा अन्वेषण भवन से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राकेश कुमार गढ़वाल और विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश जलूथूरिया ने हरी झंडी दिखाई। संरक्षण हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झुंझुनू जिले में आज राष्ट्रीय पोषण मिशन की जो है वो शुरुआत करेंगे और अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहाँ अलवर में एक बाइक रैली का अपने अभी जो है शुरुआत करी है। और इसी उपलक्ष्य में आज 11:30 के आसपास ये कार्यक्रम होगा जो महिलाओं के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। मैं समझता हूँ अभी सभी संवेदनशील हैं और आज जो एक मुख्य बात जो अभी ये है कि नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी, इसको लेकर मुख्य फोकस किया जा रहा है। इसके लिए माननीय SDM साहब भी साथ हैं और हमारे जो है अधिकारी जी जो महिला अधिकारी वगैरह देखते हुए साथ हैं। हमने अच्छी शुरुआत करी है, शुभकामनाएं, थैंक यू। कहीं ना कहीं अभी जन जागरण की कमी है कि केवल इतनी बड़ी रैली में एक ही महिला थी? नहीं नहीं नहीं, इसका आपने थोड़ा मतलब समझा नहीं है। ये आज जब बात नेतृत्व की आती है ना, तो उनके नेतृत्व में रैली है, बाकी तो महिला साथ ही है, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ सहायक उपनिदेशक ऋषिराज सिंगल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। यह रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। वक्ताओं का कहना था कि महिलाओं के सम्मान के लिए जागरूकता फैलाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है। उधर अंबेडकर चौराहे स्थित एक निजी स्कूल में महिला दिवस मनाया गया। यहां मुख्य अतिथि ACJM दिनेश जलूथूरिया सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। यहां इस मौके पर महिला पुलिसकर्मी और महिला पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि हम जहाँ कहीं भी रहें महिलाओं के प्रति सम्मान दर्शित करें, सम्मानित करें उनको। आज जार की ओर से जो एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो निर्भया स्क्वाड है उनको सम्मानित किए जाने का आज यहाँ कार्यक्रम किया गया। महिलाओं की सुरक्षा कर रही है, ये एक समाज के अंदर एक अच्छा परिवेश बना है और हमारे जो निर्भया स्क्वाड की जो टीम है इन्होंने अलवर शहर में वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, कई इन्होंने अपराध रोके हैं। तो निश्चित रूप से सब लोग बाग, ये महिलाएं आई हैं, पत्रकार संघ हैं, इनके लिए सब लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जो सुंदर कार्यक्रम किया है इसके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा प्रगतिशील महिला समिति ने जनाना अस्पताल में उन प्रसूताओं को सम्मानित किया जिन्होंने महिला दिवस पर बेटी को जन्म दिया। इस मौके पर शगुन के प्रतीक के रूप में थाली बजाई गई। महिला दिवस के अवसर पर हम प्रगतिशील महिला समिति की ओर से हर साल ये कार्यक्रम करते हैं। इसमें नवजात बच्चियों का स्वागत करते हैं, अस्पताल से उनको थालियां बजा के लेके आते हैं, उनको बेबी किट देते हैं, उनकी माओं को सलवार सूट और लड्डू देते हैं। इसके साथ ही संस्था का जो लोग ज़्यादा सक्रिय सहयोग कर रहे हैं, अशोक कुद्दल और डॉक्टर कंचन बत्रा, उनको सम्मानित किया गया। और हर साल एक सरकारी स्कूल में हम प्रतियोगिताएं कराते हैं तो उसमें विजेता छात्राओं को सर्टिफिकेट और पुरस्कार देते हैं, और जिसके कक्षा में सर्वाधिक अंक हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं उनको 1100 रुपये की एक प्रोत्साहन राशि देते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये आज का कार्यक्रम है और आज की मुख्य अतिथि श्रीमती शुभम चौधरी हैं,
और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सरोज गुप्ता और डॉक्टर सरोज गुप्ता ACM हैं, वो अभी कहीं किसी कार्यक्रम में अटकी हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो पहुंचती ही होंगी, बस यही एक छोटा सा कार्यक्रम। इस दौरान मुख्य अतिथि SDM शुभम चौधरी सहित अशोक शर्मा और शचि आर्य द्वारा महिलाओं को बेबी किट प्रदान की गई।